इसकी रैंकिंग बहुत हाई है, तो ये टॉप 500 में आती है। यहाँ पे पढ़ने के बाद पूरे EU में प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, बिना किसी लाइसेंस के। आपको सिर्फ लैंग्वेज आनी चाहिए। इसका एक्सचेंज प्रोग्राम है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं मौजूद हूँ हंगेरी की राजधानी बुडापेस्ट में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं है सेमेलवाइस यूनिवर्सिटी। मैं खुद रिक्रूटर हूँ सेमेलवाइस यूनिवर्सिटी के लिए, और अभी तक मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को असिस्ट कर चुका हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए। अब इस यूनिवर्सिटी की ख़ास बात ये है कि इसकी रैंकिंग बहुत हाई है और ये हंगेरी की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इनफैक्ट अगर हम वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात करें तो ये टॉप 500 में आती है। अब यहाँ पे जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन प्रोग्राम है वो 6 साल का होता है, और एक एडवांटेज है सेमेलवाइस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का कि जो यहाँ की डिग्री है वो पूरे EU में रिकॉग्नाइज्ड है। तो आप यहाँ पे पढ़ने के बाद पूरे EU में प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, बिना किसी लाइसेंस के। आपको सिर्फ लैंग्वेज आनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप UK में जाकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी ये यूनिवर्सिटी आपको एडवांटेजेस देगी। आप सीधे एक लेवल ऊपर जाएंगे वहाँ पे फेलोशिप में, और PLAB में भी एग्जेम्पशन मिलेगा। और यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट दुनिया भर से आते हैं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं सेमेलवाइस यूनिवर्सिटी में वो जर्मनी में हैं। इनफैक्ट एक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे बताया कि पहले उन्होंने इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था सेमेलवाइस से, अब उनका बेटा यहाँ पे पढ़ रहा है। तो फादर एंड सन बोथ, फादर हैव स्टडीड एट दिस यूनिवर्सिटी, नाउ हिज सन इज स्टडिंग एंड फादर इज़ नाउ प्रैक्टिसिंग इन US। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी आते हैं जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी US में, UK में रह रहे हैं। उसका रीज़न है, अब जैसे UK में जो फीस है मेडिसिन की वो साल की £40,000 है, जबकि यहाँ पे $19,200 है, जो मैं कहूँगा दुगने से कम है। तो यहाँ पे पढ़ने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, और जो पढ़ाई है वो पूरी इंग्लिश मीडियम में होती है। अब अगर हम टेस्ट की बात करें, देखिए क्या है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो जो आपका टेस्ट होता है वो केमिस्ट्री में होता है, बायोलॉजी का होता है और इंग्लिश का होता है। टेस्ट के बाद इंटरव्यू भी होता है। टेस्ट ये जो होता है ऑनलाइन होता है। एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिना डिले के आप अप्लाई करिए। IELTS मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको स्कूल से एक लेटर मिल जाता है कि आपकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुई है, उतना काफ़ी है। साथ में लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है जिसमें हम आपको असिस्ट कर सकते हैं। तो जैसा मैं बता चुका हूँ आपको कि मैं रिक्रूटर हूँ इस यूनिवर्सिटी के लिए, आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी हमारा नाम देख सकते हैं। तो हम आपको पूरे प्रोसेस में असिस्ट कर सकते हैं, अप्लाई करने में, फिर टेस्ट की प्रिपरेशन में, टेस्ट का मटेरियल हम दे सकते हैं आपको, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर अगर आप यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना चाहते हैं वो भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। एक बार आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर हम आपको वीज़ा प्रोसेस में असिस्ट करते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो भी हम आपको पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब आपको कोई एयरपोर्ट पे लेने आएगा, आपको एकोमोडेशन चाहिए वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और ऐसे ही पेरेंट्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए अगर आप अपने बच्चों को मिलने के लिए आना चाहते हैं, उनके साथ आना चाहते हैं, तो उसके वीज़ा प्रोसेस में भी हम आपको असिस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद हंगेरी में पढ़ चुका हूँ, तो मुझे फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। बुडापेस्ट ओवरऑल बहुत सेफ़ सिटी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत सारी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले कम है, और ये जो यूनिवर्सिटी है सेमेलवाइस, इसका एक्सचेंज प्रोग्राम है फॉर एग्जांपल हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के साथ। तो जो बच्चों को एक्सपोज़र मिलेगा वो बहुत अच्छे लेवल का है। ऐसे ही जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑप्शन होता है बहुत सारी कंट्रीज़ में जाने का, ऑब्ज़र्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल वो जापान जा सकते हैं, ऑस्ट्रिया जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, और ये सब यूनिवर्सिटी अरेंज करती है। लास्ट जो डेट है एडमिशन की वो May 31 है, लेकिन मैं बता चुका हूँ कि यूनिवर्सिटी में कंपटीशन बहुत है और इसकी रैंकिंग बहुत हाई है, तो सीटें जनरली पहले ही भर जाती हैं। तो आपको बिना डिले के अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका 12th का रिज़ल्ट नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आपको 12th का रिज़ल्ट चाहिए कि वो अगस्त लास्ट तक आ जाए। अगर आपके कोई सवाल हैं आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।